तेरा गोलगप्पे वाला नहीं आया आज? मैं तो सोचा गोलगप्पे खाते। और प्रसाद कैसा लगा सबको? अच्छा। सच्ची में? सच्ची? नाम क्या है? नाम बताओ अपना जोर से। क्या? प्रीत। ये बहुत प्रीचा नाम है। ठीक है, अभी 2 मिनट दो, उसके बाद चले जाना। ठीक है, पैसे दीदी को दे दो, आप इधर उधर कर दोगे। आज के दिन तो भाभी फुल कन्या बिजी रहती है बहुत। मुझे 1 घंटा हो गए थे इन सबको घूमते हुए। जय माता दी, हर हर महादेव। और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। अब थोड़े मैंने इंट्रो नहीं कर पाया क्योंकि गाइस सुबह से मेरी भाग दौड़ लगी हुई है। जैसे आप लोग जानते हैं नौवीं वाले दिन कन्याओं की कितनी शॉर्टेज होती है, तो बस अब सुबह से मेरे को टाइम मिला है तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे अपना फास्ट फूड। यहाँ पे मम्मी डाल रही है गरम गरम खाना। मम्मी जय माता दी। जय माता दी। शैंक भैया जय माता दी। भाभी तो भाई मम्मी ने और भाभी ने बहुत अच्छा और तो भी अपने लंगूर के। अच्छा गुनगुन देख, तेरे पैसे देख लिए। गुनगुन ने देखो कहाँ रखे है पैसे, वो गिन रही थी घर पे। मैंने रखे। अच्छा अच्छा और मम्मी ने बनी से मांगे तो बनी ने काट के दिया और 10 का सिक्का वो ये संभाल के रखा। पापा को दिया ना। मम्मी ने पूछा और कहाँ है पैसे, कह रहा पापा को दे के आ गया। The next day. Hey guys, good morning. तो आज है नेक्स्ट डे। तो भाई मैं कल थोड़ा शूट इसलिए नहीं कर पाया, कल थोड़ा मेरे को कहीं जाना पड़ गया था कहीं काम से। सो गाइस सीन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज का ब्लॉग बहुत थोड़ा स्पेशल होने वाला है। वो क्यों होने वाला है गाइस? सब्सक्राइबर ने मेरे को ये बोला कि क्या नाम है कि यार आप एक बार अपना होम टूर कराओ। चलो फिर आज मैं अपना आप लोगों को अपना होम टूर कराता हूँ। बाकी सबसे पहले आज भाभी से मिली है, हमारी प्यारी सी भाभी जो टेस्टी टेस्टी करेले बना रही है। करेले की सब्जी है ना भाभी? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि हम लोगों को करेला बहुत पसंद है सबको, मतलब है ना भाभी? और भाभी के खाने के हाथ की बात तो मैं क्या बोलूं, जो भाभी बनाती है ना खाने का टेस्ट उसके 4 चांद लग जाते हैं। कुछ भी कहो, मतलब एक ये है कि अपने घर में ना बाहर से कभी ना कुछ मंगाना नहीं पड़ता। अब जो भी चीज होता है ना वो हम घर पे ही बना, सॉरी हमने भाभी घर पे बना देती है और इतना टेस्टी बनाती है ना। और जैसे तो आप लोगों को पता है गाइस मुझे चिकन बहुत पसंद है, चिकन से लेके पनीर A to Z एक नंबर बनाती है। मतलब ये मतलब बाहर वाली फीलिंग यहीं पे आती है। तो बाकी भाभी क्या राजेश का बनाने का? वो सबको पता चल गया तो सब भी बना लेंगे। फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे अभी करेले। बाकी मम्मी यहाँ पे कर रही है कुछ काम, और शंकी भाई और गुन्नू। बाकी देखो एक ये रूम है जिसमें हम लोग रहते हैं, यहाँ पे मैं मम्मी और जतिन रहते हैं, और गुन्नू से ही मिले, गुन्नू भी आई हुई थी। ये वाला रूम आप लोगों ने मेरे पहले देख ही लिया होगा, ठीक है। बाकी ये किचन का एरिया है और ये थोड़ा सा खाली स्पेस है जहाँ पे हमने थोड़ा अपना फ्रिज वगैरह का सेट। आज एक ये गुन्नू कह रही कि मैं घर पे जाऊंगी, गुन्नू को मैं मना करो, मैंने कहा रहने दे बारिश हो रही है, बारिश में कौन जाते है, रहने दे कीचड़ हो रही है बारिश। हाँ और तुरु डायनासोर हमारे यहाँ पे ना डायनासोर घूम रहा है गाइस। मम्मी अपने चश्मा लगा तो एक बार देखा था। इसे चश्मे को ठीक करा लो, मैं पता इनसे कहते कहते थक गया। बहुत बड़ी नहीं तो मैंने अब देखा। मम्मी फिर भी जैसे तैसे करके अपने लगा रही है। भाई यही है ना सिलाई बिलाई ना बिगड़, चश्मे होती नहीं है तो कराऊंगी। दिखाने एक बार चश्मा कैसे लगा। तुम्हारा भाई भी एक काम करता है गाइस, ये भी लगा के घूमता है। तुम्हारा भाई देखो कैसा लगता है, ये देखो निंजा टेक्निक।
ओ भाई मैंने पांच चश्मे को पहन लिया था, मेरे से ना देखे नहीं जाएगा, आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो भाई ये वाला रूम आप लोगों ने देख लिया, आगे चलो मैं एक बार आप लोगों को ऊपर वाला रूम अच्छे से दिखाता हूँ और ऊपर का रूम टूर भी कराता हूँ। तो आगे चलो आपने ये वाला रूम टूर कर लिया है, बाकी अब ये वाला मैं फ्लोर आप लोगों को टूर करा रहा हूँ। तो ये हमारा बाहर का एरिया थोड़ा, जहाँ पे वॉशरूम वगैरह है और जैसा आप लोगों ने पहले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा मेरे, बाकी ये थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना बैठक बना रखी है। और बाकी एक बार मैं आप लोगों को ऊपर अंदर से रूम, तो बाकी कुछ लोगों ने मेरे देख ही लिया होगा, एक बार आप लोगों और अच्छे से देख लीजिए। ये शादी की फोटोज है जो हम लोगों ने सेलेक्ट करी थी, भाभी की और एक हमारी फैमिली की। बाकी देखो ऊपर से अच्छे से, ऊपर हमारी छत है, ऊपर का दिखाना ठीक नहीं क्योंकि ना ऊपर का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि बारिश हुई थी जैसे आप लोग जानते हैं, तो इस वजह से थोड़ा गंदा हो रखा है ना। तो ऊपर का मैं आपको कभी किसी और दिन दिखाऊंगा। बाकी बहुत देर से देखो तुमने क्या कर दिया, हम नहीं जानते ये गुंडा तू वहां क्या कर रहा बैठ के, चल अभी देख ले दो मिनट में ना, भूख लग रही है खाना डलवा दूं हैं, खा रहा है नहीं जाएगा नहीं जाएगा, पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो, ये जाएगी नहीं, इसे छोड़ने मत, छोड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं जाना नहीं जाना कहीं नहीं जाना, ओए ओए ओ कट ओए कट के लिए हमारे घर में वर्ल्ड वार जेड थ्री की शूटिंग चल रही है, देखो ये ब्लैक समर आ रही है, ब्लैक समर का तीसरा सीजन आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर होता है ना इन्फेक्टेड वाला गुन्नू, 10 मिनट बाद अभी जॉम्बी बन जाएगी, कैसे चलते है गुन्नू, ये देखो जॉम्बी बन गई ओए ओ रोको, हमारे घर में जॉम्बी आ गए, हमारे इंडिया के अंदर भाई, गाइस हमारे घर के अंदर जॉम्बी बन चुके और पूरे इंडिया में फैला दो ये बात, छोड़ दो रे, और इसमें क्या बोला तूने, दोबारा से बोल क्या हो रहा है गुन्नू, साढ़े दो बताओ, ये लड़की 2:30 साढ़े दो बोल रही है, कोई नहीं मैं समझ सकता हूँ, इसमें अलग टाइम कितना टाइम हो रहा, 11:21 हो रहा है, वो 11:21 नहीं हो रहा, वो उसकी टाइमिंग दिखा रहा है, इतनी मिनट की उसकी वीडियो है, 11:21 नहीं हो रहा, नहीं भाई ये चीज मैं समझ सकता हूँ, अच्छा सुन तो मुझे बोलने दे, तो भाई मैं समझ सकता हूँ, ये तो बोलने नहीं देती, ब्लॉग में ऐसी करती है, नहीं हो रहा, पिटाई होगी तेरी, पिटाई इसमें, मैं समझ सकता हूँ, जब मैं तेरी उम्र में था ना तो मैं भी ऐसी बोलता था, मम्मी 2:30 हो गए 1:30 हो गए लेकिन 2:30 नहीं बोलते, 2:30 बोलते हैं, 2:30 और 1:30, तो फिर इसके अंदर स्पेस कैसे क्या इसमें चल रहा है, अभी मजा आएगा ना, भिड़ो तू चल लिया ऐसे नाचेंगे देखो विपुल चाचा क्या कर रहे हैं अभी मेरे को परेशान करके चले गए, मैं अरे वो टी शर्ट देख रहा था, ये सही में इतना दंगा करती, इतना परेशान करती ना चाचू को, और रात को भी लेट सोई थी, बता दू कितने बजे सोए थे है, बता दो मेरा जा रहा है, मम्मा फिर डांटेगी, मम्मा बड़ी मम्मा, हाँ जी भैया पार्सल आए, क्या मंगाए, हाँ जी तेरा गोलगप्पे वाला नहीं आया आज, मैं तो सोचा गोलगप्पे खाते चले, चलो भाई है, क्या है? खाली बॉक्स मंगाया हमने कुछ पुराने मेरे ब्लॉग देखे होगी जिसमें हम लोगों ने घड़ी मंगाई थी ना अपने घर के लिए, जो वॉल क्लॉक मंगाई थी हम लोगों ने अपने घर के लिए, तो वो हमने एक्सचेंज के लिए भेज दी थी, तो भाई भाभी वहाँ पे थोड़ा बिजी है और हम लोग अब यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये ठीक है नहीं है।
लेकिन मस्त लग रहा है एकदम एकदम रॉयल सी लग रही है घड़ी। ब्लैक के ऊपर एकदम गोल्डन जो इसकी सुइयां हैं। ये रही वॉल क्लॉक। और भाई पहली चीज़ एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा इसका, ये हमने खुद ही इसको ख़रीदा है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अगर किसी को ख़रीदना होगा, है ना शेंगे भैया। तो भाई एक बार दिखाना शेंगे भाई कैसी लग रही है। अरे वाह छोटी सुई भारत है। अभी दीवार पे और लगा के एक बार आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है वॉल पर दीवार। हाँ अच्छी लग रही है क्योंकि इसका कलर ब्लैक और ये वॉल हमारी वाइट है तो अच्छा लग रहा है एकदम। अब तो वैसे गुनू जाएगी नहीं। नहीं जाएगा भाई, कोई जाएगा ही नहीं छोड़ने। नहीं ओ भाभी आपका फोन तो गुन्ने कैसे रखा हुआ चालू करके। इन्हें डीप क्लीन कर दिया, डीप क्लीन कर दिया। गुनू वो हल्के से वॉइस कम करो, एक शर्त पे पहले आवाज कम करो, आवाज कम करो। नहीं हो रही। इन्हें मुझे ये वाला गाना सुना सुना के ना बोर कर दिया। इस वाले गाने को इन्हें कल से पता नहीं इतनी बार चला चुकी है, बहुत बार। चल डांस करके दिखा इस वाले गाने पे जल्दी। देखो 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 क्या देखूं? देखो मम्मा मोनी मम्मा देखो देखो मोनी मम्मा नहीं है, मोनी मम्मा नहीं है कोई। मोनी मम्मा दी तो नहीं मैं। हम सकले वो नहीं है, मम्मा नहीं है, मम्मा नहीं है, हम सकले हम मम्मा नहीं है। जो हो जो नहीं हो जो नहीं हुए जो नहीं हुए देखो अब सामना दिखे ना फिर देखना। अच्छा ये का है? अभी ऐड आ रही है, रुक जा। हाँ देखो ये आ गई, देखो ये रे ये पुल जा जो ये रे। यहाँ पे जा रही है गुन्नू फाइनली, गाइस फाइनली 210 रुपए। कंजिगा के अंदर भी तो इसने 210 रुपए कमाए। 160 और ये 50 210। सो गाइस फाइनली अब मैं गुन्नू को छोड़ के आ रहा हूँ घर पे। बाकी मौसम भाई फाइनली मैं आया हुआ था गुन्नू को छोड़ने। गुन्नू चल वापस। रास्ते में बारी छोड़ती, मैं कह रहा गुन्नू चलवाओ वापस चल ले, कह रही नहीं मेरे को चलो लेके। नहीं सुबह शांति की मचा रही थी, नहीं जाना है। मैं कह रहा कल चल लेंगे सुबह, कह रही नहीं सुबह स्कूल जाना, मैं कोई नहीं स्कूल के टाइम ही छोड़ के आऊंगा। और इन भाई जी से मिली हमारे विजेंद्र भाई जी। उस दिन क्यों नहीं आया आप, क्या नाम है जागरण उस दिन, सॉरी कीर्तन में कुछ काम था। हाँ जी नहीं आ पाया मैं। अच्छा अच्छा भाभी तो आई थी, तो आए थे मैं नहीं आ पाया। गुड्डू कह रही मौसी ने 50 रुपए दिए, तो कह रही तुमने पिछली बार 100 रुपए दिए, अब 50 रुपए कटौती कर दी देने में। चल ठीक है गुन्नू बाय बाय, ठीक है। बाय बाय है ना, कब आएगा? हाँ जी हाँ जी 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 जी। हाँ नहीं वो अभी क्या होगा, बीच में बारिश पड़ने लगे थी, फिर एक बार की मेरे को लगा कि चलो घर ही चलता क्योंकि ये साथ में थी ना अभी। अच्छा भाभी नमस्ते, ठीक चलिए गुन्नू बाय 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 बाय। अच्छा भाई जी नमस्ते। हाँ जी हाँ जी। बाकी सीन क्या है कि मौसम हो चुका है बड़ा सही, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे हो रही है मतलब बारिश जैसा मौसम हो रखा है, ऐसे मौसम में चलाने का ही मजा ही कुछ हो रहा है गाइस। बाकी चलो यार इस वक्त रोड पे हूँ मैं, जंप शूट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास गोप्रो नहीं है। तो बाकी चलो मिलते हैं फिर घर जाने के बाद। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे, और गुन्नू को मैंने छोड़ दिया था घर पर, जैसे आप लोग जानते हैं गुन्नू को मैं उसको उसके घर पे छोड़ के आया था। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे ही एंड कर रहा हूं। तो गाइज आप लोगों ने यहां तक मेरा ब्लॉग देख लिया है तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।